दोस्तों, जब से मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग इवेंट हुआ है, तब से देश में बहुत से लोग हैं जिनको तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, या कहें ये लोग पूरे तरीके से जल चुके हैं। जहां एक तरफ मार्क ज़करबर्ग से लेके बिल गेट्स और इवांका ट्रंप जैसी हस्तियों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस प्री वेडिंग को ग्लोबल इवेंट बनाया, वहीं दूसरी तरफ राहुल जी ने इस पर भी मोदी जी पे निशाना साधा। बहुत से लोगों को तो इस इवेंट का खर्चा सुन सुन के बुखार आ रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सब लोगों का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, ये प्री वेडिंग का फंक्शन था देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का। और जैसा कि सबको उम्मीद थी, मुकेश अंबानी ने इस इवेंट में 1250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जहां एक तरफ रिहाना जैसी ग्लोबल पॉप स्टार को इस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 74 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं दूसरी तरफ अंबानी ने तीनों खान्स को एक साथ एक स्टेज पे नचवा दिया। मतलब इस इवेंट को देख के हम सब कह सकते हैं कि इसमें पूरा बॉलीवुड आया था। और यकीन माने, एकॉन जैसे फेमस इंटरनेशनल सिंगर पे तो आधी जनता ने ध्यान ही नहीं दिया। उसको गाते हुए देख के कुछ लोग तो उसे ब्रायन लारा समझ बैठे। क्या बोला तूने? वहीं मेहमानों में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रहने वाले माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को भी इस इवेंट में उनकी वाइफ प्रिसिला चैन के साथ देखा गया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के साथ साथ बहुत से बड़े बड़े लोग इस इवेंट में पहुंचे। इन मेहमानों को लाने ले जाने के लिए जामनगर एयरपोर्ट पे एरोप्लेन्स का ऐसा जमावड़ा था जैसे मेट्रो स्टेशन के बाहर आजकल ऑटो वालों की लाइन होती है। समझ रहे हो ना? कुछ खबरों की माने तो जामनगर एयरपोर्ट को 15 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया था। इस पर कांग्रेस और बाकी पार्टियों के पॉलिटिशियंस से बिल्कुल देखा नहीं गया। हमारे राहुल जी ने तो इस बात पर सरकार से जवाब तक मांग लिया। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को अपनी हिस्ट्री चेक कर लेना चाहिए कि उन्होंने कब कब और कितनी बार इस तरीके की चीजें कर रखी हैं। यार, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। और फिर इसमें हर्जी क्या है? सोचिए, जब अगर सैकड़ों लोग नो एंट्री के समय बीच शहर में शादी हॉल पहुंचने के लिए बसें दौड़ा देते हैं, तो फिर ये पूरा अरेंजमेंट तो कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किया गया है। और आई एम श्योर इसके लिए मुकेश अंबानी ने अच्छी खासी कीमत चुकाई होगी। वहीं प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया कि पावर और पैसे का ये वल्गर डिस्प्ले है। तो उनसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या उनके पास बड़े बड़े वकीलों की करोड़ों रुपए की फीस लेने का कोई जवाब है? नहीं। देखिए, अगर कोई अमीर इंसान अपने बच्चों की शादी में पैसा खर्च करता है तो उससे दुनिया को इतनी तकलीफ क्यों? अगर वो इंसान गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स भरता है तो क्या उस इंसान को ये हक नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी जिस तरीके से करना चाहे वो कर पाए? क्या आपने मंत्रियों के बच्चों की शादियां देखी हैं जिसमें करोड़ों रुपए बेहिसाब तरीके से खर्च कर दिए जाते हैं? क्या आपने लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी के बारे में सुना है? आज से 22 साल पहले इस शादी में 25,000 मेहमान आए थे। लालू जी ने समधी और दामाद के स्वागत के लिए गन पॉइंट पे 50 नई कारें उठवाई थी। राबड़ी देवी ने 6 पंडालों को सजाने के लिए फर्नीचर की दुकानों से गन पॉइंट पे 100 नए सोफा सेट उठवाए थे। दूल्हे के घर पे रातों रात टेलीफोन और बिजली का कनेक्शन लगवाया गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। तिलक पार्टी में 300 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, पंडाल की सजावट के लिए कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली और बैंकॉक जैसी जगहों से फूलों को मंगवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सोचिए, जिस नेता को हम समाज की सेवा करने के लिए वोट देके उसे मंत्री बनाते हैं, वो नेता अपने बच्चों की शादी में बेहिसाब पैसा खर्च करता है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम उस इंसान के खर्चे के कसीदे पढ़ रहे हैं जो सरकार को अपना पूरा टैक्स पे करता है। इसके अलावा हम एक पॉलिटिशियन को छोड़ के बिजनेसमैन से समाज सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। कसम से, ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स। गजब बेइज्जती है। देखो, भारत में अमीर से लेके गरीब इंसान तक अपने बच्चों की शादी में बहुत पैसा लगाता है। और यकीन माने, मिडिल क्लास और गरीब आदमी तो अपने बच्चों की शादी के लिए कर्जा तक ले लेता है। वहीं मुकेश अंबानी ने भी इस फंक्शन को अपने बेटे के लिए स्पेशल बनाने के लिए पैसा खर्च किया। बहुत से जलकुकड़े हैं जो इस प्री वेडिंग को लेके तरह तरह के खर्चे गिना रहे हैं, जैसे नीता अंबानी का 500 करोड़ का नेकलेस, रिहाना को दिए गए 74 करोड़, वहीं अनंत अंबानी की 15 करोड़ की घड़ी जिसको ज़करबर्ग की बीवी प्रिसिला चैन भी देखती ही रह गई। वहीं कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ है कि अनंत ने 15 करोड़ की घड़ी क्यों पहनी। इस तरीके के वीडियो में अगर लोगों के कमेंट्स पढ़ें तो लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि टाइम तो सेम दिखाती होगी और फलाना फलाना। यार, सबसे पहले तो ये समझो कि हर इंसान अपने स्टेटस और अपनी वेल्थ के हिसाब से खर्चा करता है, और जिस तरह खर्चे के लिए बहुत से लोग मुकेश अंबानी को ट्रोल कर रहे हैं, जरा सोच के देखो कि करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा मुकेश अंबानी के लिए चिल्लर की तरह है। देखो, मुकेश अंबानी की 2024 में नेटवर्थ $118 बिलियन है, यानी रुपयों में करीब ये 10 लाख करोड़ के आसपास होता है। एक आम इंसान की समझ के लिए हम 1 करोड़ को 1 रुपया मान लेते हैं, यानी 10 लाख करोड़ में से करोड़ हटा देते हैं तो 10 लाख रुपए आज के समय में एक एवरेज व्यक्ति के पास होते हैं।
अब सोचिए उन 10 लाख में से क्या आप अपनी बीवी को 500 रुपए का नेकलेस नहीं दिला सकते, आपके बेटे को 10-20 रुपए पॉकेट मनी के लिए नहीं दे सकते। अनंत ने तो फिर भी 15 रुपए की घड़ी पहनी है। क्या आप अपने बच्चों की शादी में 50-60 रुपए खर्च करके रिहाना को नहीं बुलाते? और अगर चिल्लर फेंकने से पूरा बॉलीवुड आ सकता है तो क्या आप ऐसा नहीं करते? अरे कहना क्या चाहते हो? हम भी अपने फंक्शंस में डीजे पार्टी ढोल ऑर्केस्ट्रा को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बुलाते हैं। तो सोचो अंबानी ने ये सब करके कौन सा गुनाह कर दिया? हम हमारे लेवल का फंक्शन करते हैं, अंबानी ने अपने लेवल का फंक्शन किया। क्या है, कुछ लोगों को हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की आदत पड़ चुकी है। आपको ये नहीं दिखा कि मुकेश अंबानी के पास पूरी दुनिया पड़ी थी इस फंक्शन को करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फंक्शन को गुजरात के एक छोटे से शहर जामनगर से किया, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी शहर है। जैसा कि खुद नीता अंबानी ने कहा कि जिस जगह मेरे बच्चे बड़े हुए, जिस शहर से हमारा सालों का नाता है, हम चाहते थे कि ये फंक्शन हमारे पुरखों के उसी शहर में किया जाए। जामनगर इज अ प्लेस वेयर वी हैव आवर रूट्स, वेयर अनंत ग्रू अप एंड इट्स नाउ बिकम अ होम एंड हेवन फॉर आवर फैमिली एंड दैट्स व्हाई इट फील्स जस्ट सो राइट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस न्यू बिगिनिंग फॉर अनंत एंड राधिका here in Jamnagar. Jamnagar is where Anand's grandmother, Kokila Mummy, was born. It bears the legacy of his grandfather, Dhirubhai. सोचिए किस तरह अरबों रुपए होने के बावजूद अंबानी फैमिली भारतीय संस्कारों की बातें करती है। क्या आपको ये नहीं दिखता कि दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद भी अनंत अंबानी हमेशा सनातन की बात करते हैं? And about Hindu, you study Hindu religion, philosophy? Sanatan has made me stronger. And every time I'm in a difficulty, God has got me out. So personally, I've gone through many health crises, and God has always been kind enough. क्या किसी को ये नहीं दिखा कि मुकेश अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े-बड़े लोगों को भारतीय कल्चर से रूबरू करवाया? उन्हें ये दिखाया कि हमारे देश में शादी का मतलब क्या होता है? उन्हें दिखाया कि भारत में मेहमान नवाजी कैसे होती है? और यकीन माने इन बड़े बड़े लोगों का भी ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, या कहें शायद ही इन्होंने आज तक ऐसा कोई फंक्शन अटेंड भी किया था। वहीं इन मेहमानों ने इस फंक्शन में बहुत एंजॉय किया। जहां जकरबर्ग और इवांका ट्रंप जैसे लोग जंगल सफारी कर रहे थे, वहीं बिल गेट्स को डॉली चाय वाले के साथ रील बनाते हुए देखा गया। सोचिए क्या ये लोग अपने एक्सपीरियंस को अपने देश में नहीं बताएंगे? तरीके से ये सब बातें अंबानी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग जानते हैं। शायद उनकी तकलीफ ये है कि जिस अंबानी पर वो मोदी जी का करीबी होने का एलिगेशंस लगाते हैं, कैसे उस अंबानी ने हर उस व्यक्ति को अपने कदमों में ला दिया जिसे वो कल तक अपना दोस्त मानते थे। देखो, इन तीनों खान्स को हमेशा एंटी बीजेपी या एंटी मोदी समझा गया है। जैसे आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव का एक ट्वीट आपको याद होगा, जिसमें वो बीजेपी राज में चल रहे देश को अनसेफ बता रही थी। वहीं 2014 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले शाहरुख खान ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो देश छोड़ देंगे। अब सोचो कि इन लोगों को मुकेश अंबानी ने एक स्टेज पर एक साथ नचवा दिया। इतनी शर्मीली शादी है, इतनी अच्छी शादी, इतना अच्छा ओकेजन हो तो बेशर्म। नहीं नहीं नहीं, गाना तेरा क्यों होगा, गाना मेरा होगा, प्लीज। नहीं मेरा होगा, नहीं मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग कुछ झगड़ा कर रहे हो? शाहरुख खान और सलमान खान दोबारा झगड़ा कर रहे हैं। अनंत और राधिका की शादी में अंबानी की शादी में कोई ढंग है, कोई तरीका है? सलमान, तेरा गाना नहीं होगा। आई ला शाहरुख, तेरा गाना नहीं होगा। वही माँ, मेरा गाना होगा। तेरी माँ, तेरी माँ, माँ नहीं, बाप, बाप, पापा कहते हैं। पापा, पापा कब से कहते आ रहे हैं? पापा, पापा वन सेकंड यार, पापा कब से कहते आ रहे हैं? अरे पापा कहते हैं यार, यहाँ पे एवरेज एज देख लोगों की 22 साल की है। ये वही एक्टर्स हैं जो एक समय पर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। इनके साथ में काम करने पर शाहरुख खान का ये वीडियो तो सबको याद होगा। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी आप, फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। तीनों को साथ में काम करवाने वाले की एसआर के चड्डी बनियान बिकने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचो उसी अंबानी के फंक्शन में ये तीनों चौथी क्लास के बच्चों की तरह डांस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटी बीजेपी और एंटी मोदी लोग रिहाना को भी अपना करीबी मानते थे। रिहाना का किसान आंदोलन पे बीजेपी के खिलाफ किया हुआ ट्वीट तो सबको याद होगा। शायद इन लोगों का अंबानी के फंक्शन पे रिहाना का नाच गाना देख के हाजमा खराब हो गया। रिहाना का ऐसा करने से साफ देखा जा सकता है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम पैसा दोगे तो तुम्हारी शादी में नाचेंगे, और पैसा दोगे तो तुम्हारे खिलाफ ट्वीट भी कर देंगे। बिल गेट्स और जकरबर्ग जैसे लोग अंबानी के पर्सनल गेस्ट बनके 3-3 दिन उनके यहाँ आके छुट्टी मना रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज से भी तकलीफ होने वाले वो लोग हैं जिनको अंबानी की इस ताकत के पीछे मोदी जी की ताकत दिखाई देती है, और जब उनको कुछ बोलने के लिए नहीं मिलता
तो ये अंबानी को अपने बच्चों की शादी में किए हुए खर्चे से खुद को सुलगा के अंबानी को गाली देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्हें अंबानी की ताकत में मोदी जी की जीत दिखाई देती है और ये लोग किसी भी हाल में मोदी को जीतते हुए नहीं देख सकते। बाकी आप कमेंट में बताना कि क्या मुकेश अंबानी का अपने बच्चों की शादी में पैसा खर्च करना गलत है? नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।